जय हिंद एवरी वन वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन रॉयल्स एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है एंड डू कन्फर्म दैट आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज कन्फर्म करें कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक सुन पा रहे हैं सो मोस्ट वेलकम एवरी वन ओके स्टार्ट विथ आज मेडिकल हिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ते हैं द परमार्स ऑफ मालवा मालवा के परमारों के बारे में तो देखो परमारों के बारे में बात करते हैं और फिर से मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो भी हम मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ पा रहे हैं थोड़ा सा हमने एनशियट हिस्ट्री के भी हिस्से में कवर किया था ये सभी हम राजपूतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजपूतों में हमने किन किन राजपूतों के बारे में पढ़ लिया सो वी कुड रीड अबाउट द प्रतिहार्स प्रतिहारों को कहा जा सकता है कि भाई शासन में आने वाले या साम्राज्य खड़ा करने वाले पहले राजपूत शासक थे सो so, पहले में नंबर एक पे हो गए प्रतिहार फिर दूसरे दूसरे ए, नंबर पे हमें हमने पढ़ा चौहानों के बारे में फिर चंदेलों के बारे में अभी क्लास का समय है कि हम पढ़े परमारों के बारे में द परमार्स ऑफ मालवा ठीक है परमारों के बारे में पढ़ते हैं मालवा के परमारों के बारे में इससे पहले कि हम इस क्लास को आगे बढ़ाएं मैं आप लोगों को बता दूं कि मालवा के परमारों की अगर हम बात करते हैं सो सबसे पहले आती है बात कि सर ये कौन है मतलब कौन से राजपूत हो तो देखो मालवा के पर, परमारों के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनको कहा जाता है कि दे आर अग्निवंशी राजपूत क्या है भाई अग्निवंशी अग्निवंशी मतलब आग से पैदा हुए अब आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आग से पैदा हुए राजपूत कौन कौन से हैं तो आग से पैदा हुए राजपूत भैया चार हैं नंबर एक पे कौन आते हैं प्रतिहार दूसरे नंबर पे चौहान हमने पढ़ लिया तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं परमार के बारे में परमार के बारे में एंड जो चौथा नंबर है हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में प्रतिहार चौहान परमार्स एंड ये है सोलंकी या इन सोलंकियों को हम कहते हैं चालुक्या चालुक्या कौन चालुक्या ऑफ गुजरात चालुक्या ऑफ गुजरात आप कह सकते हो क्लियर है यानी कि अगर हम अग्निवंशी राजपूतों की बात करें अगर हम अग्निवंशी राजपूतों की बात करते हैं क्या आप लोग देख पा रहे हो चंदेल जयहद मोस्ट वेलकम कांति सिंह जयहिंद शालू अक्षिता राजवंत सबका स्वागत है लॉयस एजुकेशन पे आकांक्षा हर्ष ठीक है अग्निवंशी राजपूतों की अगर हम बात करें तो नंबर एक पे कौन है प्रतिहार या प्रतिहार दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे चौहान प्रतिहार दूसरे नंबर पे चौहान और तीसरे नंबर पे परमार सॉरी अंशिका मैं सॉरी बोला तो था शायद मैं नाम वेरी सॉरी अगर नहीं बोल पाया तो ठीक है <laughs> परमार और चौथे नंबर पे है सोलंकी ठीक है सोलंकी यानी कि गुजरात के चालुक्य अब ये देखो ये सभी राजपूत हैं जय कश्यप ये सभी भैया क्या है राजपूत हैं अब एक बात जब जैसे ही अग्निवंशी की बात आती है आप क्या समझते हैं वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई अग्निवंशी अग्निवंशी से आप क्या समझते हो अग्नि से कोई पैदा हो सकता है क्या सोलंकी काश मुस्लिम भी होते में भी होता है आ, देखो सोलंकी कास्ट का क्या अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में नाम आया था उसमें परिहार भी आ, परिहार भी छो, परिभा, जो उसमें परिहार था वो भी मुस्लिम था तो मुस्लिमों में कास्ट कहां होता है ठीक है मुस्लिमों में कास्ट कहां होता है मुस्लिमों में तो कास्ट होता ही नहीं है ये वो लोग होंगे जो कि चेंज हो गए होंगे राइट सोलंकी है चेंज हो गए राइट right? परिहार है चेंज हो गए चौहान है चेंज हो गए तो मुस्लिम हो गए हाँ प्यूरिफाइड बाय ब्राह्मिंस टू राजपूत बाय यूजिंग फायर वेरी गुड तो देखो सबसे पहली बात है भैया कि अग्नि से कोई पैदा वायदा नहीं होता है तो कौन थे ये तो इसके बारे में कई कहानियां है कई कहानियां और ये कहानी आज हम बता ही देते हैं आपको राइट right? कहा जाता है कि माउंट आबू पर माउंट आबू माउंट आबू अक्षिता के घर के पास है माउंट आबू यानी कि आबू पर्वत पर हां अरावली में है आबू पर्वत जाओगे ठीक है यानी कि आबू पर्वत पर कौन थे ऋषि थे ऋषि का नाम क्या था क्योंकि ये बुक में लिखा है ऐसा मुझे कोई स्टोरी ओर स्टोरी बताने का ये नहीं है बुक में लिखा है तो आपको बता देते हैं ऋषि थे जिनका ऋषि का नाम था भाई महर्षि वशिष्ठ वशिष्ठ का नाम आपको कई बार मिलता है वशिष्ठ जो है वो कई बार आपको नाम सुनने के महाभारत में भी मिलता होगा रामायण में भी, भी मिलता होगा राइट महाभारत रामायण हर एक जगह पे मिलता है अंत में जो लौकुश है लौकुश लौकुश का जन्म वशिष्ठ मुनि के ही यहां पे हुआ था रामायण में मिलता है तो ये देखो ये वशिष्ठ मुनि थे कुछ कहानियां कहती हैं हा वाल्मीकि वाल्मीकि के यहां हुआ था या वशिष्ठ के यहां हुआ था महर्षि वशिष्ठ के यहां हुआ था वाल्मीकि तो पहले लेके अंशिका ने कहा वाल्मीकि ठीक है वाल्मीकि होगा सॉरी वेरी सॉरी तो देखो वशिष्ठ ऋषि जो है वो काफी फेमस है वाल्मीकि वाल्मीकि के यहां हुआ, हुआ होगा ठीक है तो देखो ये जो वशिष्ठ ऋषि हैं काफी फेमस हैं ये वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया तो यज्ञ के बारे में कई सारी कहानियां हैं क्या कहानियां हैं कहा जाता है ठीक है वेरी गुड यज्ञ किया कहां पे माउंट आबू पे अब इस यज्ञ को किया यज्ञ के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कहा जाता है कि दैत्यों को राक्षसों के राक्षसों को मारकर राक्षसों को मारकर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक कहानी ये कहती है राक्षसों को मारकर नो no, वशिष्ठ ऋषि ऑल द कुल गुरु हां वशिष्ट ऋषि ऑल द कुल गुरु ऑफ राम वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है अब वशिष्ठ जो है गुरु वशिष्ठ कैसे अब ये कहानियों में है कि ये जो चारों प्रतिहार चौहान परमार सोलंकी जो है ये माउंट आबू यानी कि आबू पर्वत पर इसी वशिष्ठ ऋषि के द्वारा यज्ञ के द्वारा पैदा किए गए यज्ञ के द्वारा यानी या ये तो बात है कि ब्राह्मणों ने इनको बनाया है क्लियर है अब अग्नि से पैदा कोई कैसे होगा सीधी सी बात है कि ये होंगे किसी और जाति के ब्राह्मणों ने हां मतलब होंगे किसी और जाति के ब्राह्मणों ने अब सीधी सीधी बात है हमने पढ़ा कि प्रतिहार जो थे प्रतिहार किस जाति से थे तो प्रतिहार विदेशी थे हाँ पवित्र किया इनको अग्नि से तो प्रतिहार जो थे वो विदेशी थे अगर अगर ज्यादातर इतिहासकारों को मानो तो प्रतिहार मानते हैं कि विदेशी हैं राइट right? एक बड़ा बहुत बड़ा सेक्शन है वो मानता है कि पतिहार ब्राह्मण थे ठीक है तो अगर या तो विदेशी मान लो या ब्राह्मण मान लो लेकिन अगर राजपूतों में संस्कृतिकरण हुआ है इफ दे हैव है राजपूतों में शामिल हुए तो ब्राह्मणों ने उनको अग्नि से पवित्र किया होगा ओके आज से आप राजा हैं चलिए अग्नि से टच करा दिया आगे बढ़िए दूसरे आइए ठीक है दूसरा तो ये अब भाई कोई तो कोई स्टोरी बनानी है हाउ द पीपल आर गोइंग टू बिलीव तो कहानी बना दी गई भाई कि वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया द ऋषि वशिष्ठ डिड सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस यज्ञ एट माउंट आबू माउंट आबू वाट फॉर ही डिड दैट किस लिए उन्होंने किया तो टू क्रिएट होली पर्सन्स टू क्रिएट क्षत्रिय आउट ऑफ द फायर हु किल द डीम्स कि इन आग से आग से ऐसे क्षत्रियो को पैदा किया जाए ठीक है यज्ञ किया भाई ये जो यज्ञ था यज्ञ किया यज्ञ यग, यज्ञ किस लिए किया तो आग से देखे? आग से क्षत्रियों को पैदा कर क्षत्रियो को पैदा कर राक्षसों को मारकर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक बात दूसरी कहानी यह कहती है कि विश्वामित्र थे विश्वामित्र अब ये जो बशिष्ट है और विश्वामित्र में टेंशन चल रही है क्या होती है वशिष्ट और विश्वामित्र में टेंशन चल रही है वॉज दिस मिथ ऑफकोर्स दिस इज मिथ कैन समबडी बी बोर्न आउट ऑफ फायर कश्यप शब इज इट पॉसिबल नो बडी कैन बी बोर्न आउट ऑफ फायर कैन सम्बडी बी बोर्न आउट ऑफ सन इज इट पॉसिबल आई गेस नो नो बडी कैन बोर्न आउट ऑफ सन आप देख लो सन हैज गॉट सो मच ऑफ हीट पूरा सोलर सिस्टम पॉइंट टू से बना है हाउ समबडी कैन बोर्न आउट ऑफ फायर ब्रदर नो बडी कैन बोर्न आउट ऑफ फायर नो बडी कैन बर्न आउट ऑफ बॉर्न आउट ऑफ सन कोई नहीं पैदा होगा ठीक है नहीं नहीं वो तो स्टोरीज है चलो स्टोरीज हैं कहानी रही होंगी चलो कोई बात नहीं अगर महाभारत को यकीन भी मान लो आर एपिक्स हो सकता है रामायण हुआ हो, हो सकता है एपिक हुआ हो राइट right? बट थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के हैं तो सी वशिष्ठ एंड विश्वामित्र इन दोनों में टशन चल रही थी दोनों में शत्रुता थी शत्रुता क्या थी भाई अब ये जो विश्वामित्र थे हिवाज क्षत्रिय कौन थे ये हिवाज क्षत्रिय आपको पता है इफ यू रीड ऋग्वेद देर इज मेंशन ऑफ विश्वामित्र विश्वामित्र का मेंशन है उस ऋग्वेद में ऋग्वेद में वशिष्ठ ऋषि का भी मेंशन है उनका नाम ऋग्वेद में दिया है ऋग्वेद में कहीं राम मुम का नाम नहीं दिया है ठीक है हाँ, बि, बिल्कुल ऋग्वेद में यू विल नॉट फाइंड द नेम ऑफ द राम और नेम ऑफ द कृष्ण बट यू विल फाइंड द नेम ऑफ द वशिष्ठ एंड यू विल फाइंड द नेम ऑफ द विश्वामित्र मैंने अपने ही वीडियो में कोई एन शुरू किया था पढ़ाना बाई लाइन बाई लाइन पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने विश्वामित्र का मंत्र लिखा था कि भाई विश्वामित्र नदी से कहते हैं कि नदी रास्ता दे दो ऐसे ऐसे करके तो रिंग वेद में, में मेंशन है हाँ उसमें तो पांडवों का जन्म भी ऐसे ही हुआ है ऐसे कहां जन्म होता है किसी का जन्म होगा क्या कैसे नहीं होगा क्लियर है तो ये जान लो कि जो एक स्टोरी जान लो स्टोरी विच इज मेंशन इन द बुक आपके सिलेबस में है वो जान लो तो भाई विश्वामित्र जो थे ही क्षत्रिय क्षत्रिय थे बहुत अहंकारी बहुत ताकतवर तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई डू यज्ञ कुछ सेक्रीफाइस कीजिए हमारे लिए यज्ञ कीजिए तो ब्राह्मण एक दो ब्राह्मण नहीं आए तो इन्होंने बोला यज्ञ शुरू किया जाए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं महाराज ब्राह्मण जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है यज्ञ नहीं शुरू होगा तो भाई विश्वामित्र बहुत अहंकारी थे राजा थे क्षत्रिय थे तो उन्होंने क्या कहा बोला कि अगर हमने कह दिया मैं राजा हूं ईश्वर के बाद मैं हूं तो तुम पूजा नहीं शुरू करोगे तो फिर ब्राह्मण ने उनको कहा वशिष्ठ ने कि भाई आप जो हैं भले राजा है बट ब्राह्मण आपसे श्रेष्ठ है उनको गुस्सा आया बोला कि कौन सा काम है जो ब्राह्मण कर सकता है क्षत्रिय नहीं कर सकता और वहीं से विश्वामित्र ने क्या किया कि कमंडल उठा लिया और गए तपस्या करने बहुत तपस्या करी बहुत तपस्या करी क्लियर तपस्या कर करके करके कर कर करके कर -कर के, कर -कर के, जब पूरी राइट पूरी विद्या लेकर के पहुंचे ब्राह्मणों के पास तो उनको कहा कि भाई क्या है आप तो ब्राह्मणों ने फिर कहा कि अभी भी आप जो है अंदर क्षत्रिय हैं, शिक्षा आपने ब्राह्मण की प्राप्त कर ली है राइट ब्राह्मण की शिक्षा प्राप्त की है मन से अभी आप क्षत्रिय हैं, गुस्सा हो गए कैसे बोल रहे हो क्षत्रिय पूरा एकदम तमतमाग है क्लियर बोला कि अभी मतलब तुमको जला के भस्म कर दूंगा बोला ये गुण जो है ना ये जो आपका मतलब की बात हम कर रहे हैं बात आप कर रहे हो लात की बात तो ये जो बात है गुस्सा हो जाना ये क्षत्रिय का गुण है यानी कि अभी भी आप ब्राह्मण नहीं हुए हो यू आर नॉट अ ब्रह्म ऋषि आप राजर्षि हैं अब गुस्सा होके गए भाई कौन विश्वामित्र और बोले कि अब मैं बताता हूं कि क्षत्रिय क्या नहीं कर सकता फिर से लगे तपस्या करने ब्रह्मा को ब्रह्मा आए ब्रह्मा से पूछा कि भाई Uh, कि हमको ब्रह्म ऋषि बना दीजिए हमें ब्राह्मण बना दीजिए तो ब्रा... अब ये सब कहानियां हैं राइट ये सब पुराणों में लिखी कहानियां ये ऋग्वेद में नहीं लिखा है क्लियर तो अब ब्रह्मा ने कहा कि भाई ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि तो ब्राह्मण ही हो सकता है आप ऋषि बन सकते हो विश्वामित्र का नाम ऋग्वेद में मेंशन है फिर इससे आप क्या प्रमाण निकाल सकते हैं सिर्फ यही प्रमाण निकालेंगे कि बाद की कहानियों में विश्वामित्र का नाम यूज किया गया है पुरानों वगैरह में भाई कोई महान ऋषि रहे होंगे जिनकी कहानियां का वर्णन है बाद में उन्हीं का नाम ले लेके कहानियां लिखते चले गए लोग ठीक है तो क्या हुआ कि ब्रह्मा ने कहा कि भाई ब्राह्मण ही हाँ एग्जाम्पल्स में तो ब्राह्मण ही जो है वही ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं फिर गुस्सा बोलते ब्रह्मा मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता ठीक है इफ यू कैनॉट गिव मी जो है मुझे अगर आशीर्वाद नहीं दे सकते कि तुम ब्रह्म ऋषि तो यू गो अवे मैं इस सृष्टि की रचना फिर से करूंगा अब विश्वामित्र बैठ जाते हैं सृष्टि की रचना करने राइट right? और उनके पास एक राजा आता है जिसका नाम है त्रिशंकु क्या नाम है त्रिशंकु उस राजा को कहते हैं कि आई विल सेंड यू टू देवन डायरेक्टली वो बोलता है कि महाराज विश्वामित्र साहब हमें हमें स्वर्ग जाना है तो विश्वामित्र बोलते हैं कि मैं तुमको भेजूंगा स्वर्ग अभी भेजता हूं उसके बाद अपना तपस्या शुरू करते हैं उसको उठाना शुरू कर देते हैं उधर इंद्र इंद्र जो है, इंद्र जो है है वो पूरा सभी देवताओं को ले आकर के त्रिशंकु को बीच से दबा रहे हैं भागो नीचे जाओ नीचे मतलब शरीर के साथ कोई आदमी नहीं आ सकता और इधर विश्वामित्र बोले कि भाई अब क्षत्रिय वो करके बैठा है कि हमको ब्राह्मण बनना है राइट इधर नीचे से उनको नहीं इनको पढ़ने का ये पढ़ने की ये स्टोरी नहीं है जो लास्ट वाली स्टोरी मैं बताऊंगा वो पढ़ने की है इसमें मेंशन है क्लियर है तो फिर क्या है कि विश्वामित्र जो है जबरदस्ती उसको बोलते हैं तुमको स्वर्ग पहुंचाएंगे तब जो है सभी देवता आते हैं बोलते हैं कि महाराज माफ करें माफ कर दीजिए तो क्या उपाय है तो बोलते हैं कि आप तो मतलब ब्रह्म ऋषि हैं ऐसे है उनको चढ़ाते हैं भाई क्षत्रिय आदमी फिर चढ़ जाते हैं तो उनको चढ़ाते हैं आप तो कुछ भी कर आप तो स्वर्ग बना सकते हैं किस लिए इसको स्वर्ग भेजेंगे क्लियर तो वो क्या करते हैं स्वर्ग का निर्माण करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि मैं त्रिशंकु तुमको राजा बनाऊंगा वहां पे ठीक है तुमको राजा बनाऊंगा वहां पे तो सबसे पहले स्वर्ग का निर्माण करते हैं तो कहते हैं कि बकरी ऊंट ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि नहीं है ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि नहीं है यह सब सृष्टि किसकी है विश्वामित्र की सृष्टि है राइट फिर ब्रह्मा आ जाते हैं भाई बोले क्या चाहता है ब्रह्मा आते हैं बोले क्या चाहते हो क्यों मतलब क्यों मैं एक बार बना चुका हूं सृष्टि का निर्माण कर चुका हूं वाई यू आर डिस्टर्बिंग ऑल दिस तो भाई विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे मतलब जो है आपने ब्राह्मण नहीं मतलब ब्रह्म ऋषि नहीं बनाया तब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आज से जो है आप रहे ब्रह्म ऋषि और उस दिन से हमारे विश्वामित्र जो है वो बन जाते हैं ब्रह्म ऋषि क्लियर है तो ये जो स्टोरी आपको मेंशन है परमारो के बारे में इसमें एक स्टोरी मेंशन है इसमें कहा जाता है कि विश्वामित्र जो है होते हैं हां तो लास्ट में उनको बोल देता है कि भाई मतलब आप जाओ आज से आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो ब्राह्मण हो क्लियर और इसी विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला थी जो कि बस स्टोरी है अभिज्ञान शकुंतलम की किसकी अभिज्ञान शकुंतलम की विश्वामित्र देखो कालिदास ने भी ऋग्वेद से विश्वामित्र को उठा लिया और उनकी तपस्या में खलल डाल दिया किसके द्वारा एक स्वर्ग की अप्सरा सुंदरी के द्वारा राइट तो उस विश्वामित्र और जो अप्सरा थी उसकी बेटी हुई शकुंतला उसका विवाह करवा दिया दुष्यंत से और उसके नाम पे भारत बट ये सब स्टोरी है भारत कैसे नाम है क्योंकि आर्यों की ट्राइब्स थी आर्यों की टाइप थी जिसका नाम था भरत कबीला उस भरत कबीला था कबीला था यदु यदु था क्लियर जो दस राजाओं का युद्ध मैंने आपको अन अकेडमी पर पढ़ाया था वो एक्चुअल स्टोरी है उस कबीले के नाम पे पढ़ा है इंडिया के नाम हा क्लियर सो द परमार्स ऑफ मालवा के बारे में जो पढ़ोगे ये जो मैं अभी कहानी सुना रहा था आपको परमार्स ऑफ मालवा के बारे में पढ़ोगे तो उसमें स्टोरी है कि भाई विश्वामित्र जो है वशिष्ठ के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु क्या नाम था वशिष्ठ के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु अब लिखा है कि विश्वामित्र जो है ना उस गाय को चुरा ले गए हैं बताओ देखो विश्वामित्र को चोर बता दिया विश्वामित्र जो है उस गाय को चुरा ले गए हैं अब वशिष्ठ परेशान हो जाते हैं आई वॉन्ट टू गेट माई काउ बैक आई वॉन्ट टू गेट माई काउ बैक राइट तो अब वशिष्ठ क्या करते हैं कि माउंट आबू पे माउंट आबू पे एक यज्ञ शुरू करते हैं और उस यज्ञ को जब वो करते हैं तो उसी यज्ञ से चार ठीक है नहीं 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 ये इंग्लिश में नहीं मैं बोलता हूं ठीक है मैं बोल रहा हूं सो so, वशिष्ठ स्टार्ट टू डू सेक्रीफाइस ऑन द माउंट आबू एंड आउट ऑफ दिस सेक्रीफिशियल फायर जब वो ये तपस्या कर रहे होते हैं तो आउट ऑफ दैट फायर उस अग्नि से एक निकलता है हीरो एक क्षत्रिय निकलता है राइट और उसको विश्वामित्र वशिष्ठ कहते हैं जाओ हमारा हमारा ख्या लेके आओ हमारी गाय लेके आओ तो अब वो क्षत्रिय जाता है गाय लेकर के आता है हां गाय लेकर के आता है और गाय जब वो लेकर के आता है तो क्या है वहां पे विश्वामित्र ने अपने तपोबल से बहुत सारे बहुत सारे राक्षस पैदा कर रखे थे बहुत सारे मतलब ना कि कोई गाय लेके ना जा पाए अब ये परमार जो है अकेला जाता है और सभी शत्रुओं को मार करके गाय को ले आकर के और वशिष्ठ ऋषि को दे देता है दिस इज अटोरी राइट अब ये अक्षिता यू आर आस्किंग की सर आ, ये सब लिखते हैं तो मान भी लेते हैं तो देखो राजपूत जो शब्द है ना ये राजपूत शब्द ही कॉन्ट्रोवर्शियल है क्यों क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है बिकॉज इन द वेदाज इन द पुराणा नो वेयर इट हैजीन मेंशन दर वर राजपूत ये मैंशन है कि क्षत्रिय थे राजपूत शब्द कहीं नहीं मेंशन है तो मैंने आप लोगों को जब बताया जब आपको बताया दू और राजपूत मैंने मेडिकल इसी से शुरू किया राजपूत कौन थे तो मैंने बताया कि कई सारे लैंड डोनेशन प्राप्त करने वाले लोग डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन जिनको भूमि अनुदान में मिली प्रशासन करने लगे स्लोली स्लोली दे बिकेम पावरफुल दे बिकम फ्यूडल्स वो सामंत हो गए सामंत हो गए बहुत शक्तिशाली होने लगे दे स्टार्टेड हेल्पिंग द किंग्स किंग्स के एकदम मतलब महत्वपूर्ण हाथ हो गए उनके लिए युद्ध करने लगे राइट सो नाउ दे हैड टू बी एकोमोडेटेड इन टू द वर्ल्ड सिस्टम तो मैंने वो तो सामंत हुए देर वर फॉरेनर्स विदेशी थे कुछ ग्रीक थे कुछ हूण थे कुछ कुसाण थे कुछ शक थे जो काफी ताकतवर थे राइट ब्राह्मणों की मजबूरी थी उनको राजपूत बनाना तो वो भी वर ऑल्सो टू बी एकोमोडेटेड वो नहीं कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू गो बैक मैं अपने देश नहीं वापस जाऊंगा मुझे इंडिया में ही रहना है तो ब्राह्मणों को भाई ब्राह्मणों की मजबूरी थी उनको भी राजपूत बनाना था कुछ ट्राइबल्स थे जैसे कुछ जनजातियां जो अपने जगह पे बहुत पावरफुल हो गई थी अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती थी उनको भी राजपूत बनाना था राइट कुछ 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 बड़े राजाओं के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको भी राजपूत बनाना था तो भाई जब ब्राह्मणों को राजपूत बनाना था तो राजपूत बनाने का क्या मतलब है अच्छा यह बताओ कि मैं यशवंत सिंह हूं सी मैं सिंह नहीं हूं आई एम यशवंत डू आई नीड एफिलिएशन य सिंह की जरूरत है क्या आज के समय में नहीं है आज के समय में इस सिंह की जरूरत नहीं है मैं क्या है कि मेघा से जब मेरी शादी हुई राइट सो हमारा बहुत आपस में बात हुआ करता था तो मैं बोलता था कि परिहार जो है वो सबके राजा तुम्हारे भी राजा रहे हैं राइट तुम लोग सामंत रहे तो मेघा ने मेरा फेसबुक पे नाम चेंज करके टाइटल चेंज कर दिया कि तुम्हारा नाम राठौड़ है तो डज इट मैटर कि प्रतिहार है कि राठौड़ है कहीं मैटर नहीं करता बट उस समय द टाइम वेन दिस पीपल वर मेड उस समय जरूरत थी अक्षिता ध्यान दीजिएगा नहीं नहीं लव मैरिज नहीं है लव मैरिज कहां होगा भाई हमारे जैसे आदमी का ठीक है हमारे जैसे आदमी का लव मैरिज नहीं होता है ठीक है तो अब क्या है कि वो मतलब उन्होंने शादी के बाद आकर के उन्होंने चेंज कर दिया भाई फेसबुक पे लिख दिया राठौ परियार काट के राठौड़ चिपका दिया तो ये कहीं मैटर नहीं करता बट दैट वॉज द टाइम वन इट वॉज नीडेड क्यों क्योंकि जिन लोगों के ऊपर प्रशासन करना है उनके दिमाग में ये बात डालनी है कि ये जो लोग हैं जिनको हम राजपूत बना रहे हैं ये गॉडली हैं मतलब कि इनको ब्राह्मणों ने अग्नि से पैदा किया कुछ कुछ स्टोरी बतानी है राइट right, अक्षिता समझ हैं आप किसको किसको डाउट था कि सर ये तो ऐसे ही स्टोरी है तो वो स्टोरी जरूरत थी किस लिए जरूरत थी लोगों को समझाने के लिए लोगों के दिमाग में ये बात डालने के लिए कि भाई ये जो है वास्तव में राजपूत ही है क्लियर तभी लोग बात मानेंगे नहीं तो बोलेंगे अरे हमारे जैसे हैं तो स्टोरी बना दी कि भाई ही इज द सन ऑफ द सन सूरज के पुत्र हैं ये क्लियर सूर्यवंशी हैं फिर स्टोरी बना अग्नि से पैदा हुए हैं हाँ, इनको तो बताना है हमें तो ये पढ़ना है अब चलो अब हिस्ट्री में तो यही है ना यू नीड टू अंडरस्टैंड इनके प्रमोशन के लिए लोगों में इनका सोशल स्टेटस देने के लिए ब्राह्मणों ने ये किया तो हमें तो अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हमारे देश के टाइम में बहुत बड़ा समय इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारा है क्लियर तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा मजबूरी है तो बाकी ये सब स्टोरी ही है क्लियर सो so, यहां पे ये हो गई विश्वामित्र वाली स्टोरी ये हो गई विश्वामित्र वाली स्टोरी <laughs> तो फिर लोग मानते नहीं ना लोग मानते नहीं अभी मेरी स्टोरी कुछ राजपूत सुन ले अभी यहीं पे चंदेल हैं मेघा हैं तो बोलने लगेंगे कि खाली बकवास पढ़ाते हो हम लोगों को बदनाम करते हो बदनाम नहीं यही यही हिस्ट्री है हाँ, ऐसे ही होंगे सी सो अभी आपको ये स्टोरी अभी इस यज्ञ से एक तो यज्ञ है कि परिहा परमार अलग से पैदा हुए दूसरा है कि भाई यज्ञ से इसी वशिष्ठ मुनि ने ही एक ही यज्ञ किया और इसी यज्ञ से ये चार पैदा हुए ठीक है इसी यज्ञ से ये चार पैदा हुए और ये कहानी कहां लिखी है ये कहानी लिखी है पृथ्वीराज रासो में कई जगह पे कहानी लिखी है बट खूब कहानी लिखी है पृथ्वीराज रासो में अब देखो पृथ्वीराज रासो में कहानी जो लिखी है उसमें क्या कहानी है कि जब अग्नि से ये चारों पैदा हुए तो जो पहला वाला था वो रंग रूप में काला था ठीक है जो पहला वाला है द फर्स्ट हु केम आउट ऑफ द फायर मतलब प्रतिहार वो रंग रूप में काला था चंद्र बरदाई ने लिखी है रंग रूप में काला था और डरपोक था राइट उसको डरपोक था फिर मतलब कि उसमें महान बता दिया है चंद्र बरदाई ने किसको चौहानों को राइट जिसने उसको इंडोर्स कर दिया किसी ने कहानी बना के महान बना दिया परमारों को अच्छा इस पूरी कहानी में प्रतिहारों को कमजोर बताया क्यों बताया भाई क्यों बताया इसलिए बताया कि वो तो सबके राजा थे ना सबके राजा थे तो जब आप सबके राजा हैं तो जब आपको अपने से महान दिखाना है तो राजा से महान दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये चौहान परमार सोलंकी ये सब तो सामंत थे क्लियर तो ऐसी स्टोरी बनाओ जिसमें राजा को जो है वो आपको डाउन दिखा दो राइट तो दीज आर ऑल द स्टोरीज एंड राजपूत ऐसे ही बने हैं स्टोरीज से ठीक है अब देखो द परमाराज ऑफ मालवा सम स्कॉलर्स हैव एक्सप्रेस्ड द व्यूज दैट द परमाराज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ राजपूत ऑफ द दक्कन देखो अधिकतर हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं कुछ हिस्टोरियन ये वाले बात को वशिष्ठ वाले बात को नहीं मानते बसिस्ट वाले बात को कुछ हिस्टोरियन नहीं मानते हैं लेकिन परमार मानते हैं क्यों क्योंकि उससे उनको सोशल मिलता है। परमार इसको बात को मानते हैं कि हाँ भाई हम अग्नि से ही पैदा हुए हैं। हम प्रतिहार भी मानते हैं कि चल भाई हम अग्निय से पैदा हुए हैं हम क्यों कहेंगे वाई आई विल से दैट आई एम बोर्न आउट ऑफ मैं क्यों कहूंगा कि मैं मैं शक हूं हूण हूं क्यों कहूंगा मैं नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि मैं मुझे राक्षसों को मारने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने अग्नि से यह की अग्नि ने अपने पुत्रों को दिया मैं उसमें से एक पुत्र हूं ठीक है बट हिस्टोरियन क्या कहते हैं दरमार्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द राष्ट्रकूट ऑफ द डक्कन क्या कहते हैं विद्वानों का यह विचार है कि परमारों का संबंध दक्कन के राष्ट्रकूटों से है राष्ट्रकूटों के सामंत थे ठीक है यहां पे लिख लो देवर द फ्यूडल्स फ्यूडल्स है ये किसके फ्यूडल हैं तो दक्कन के राजकूतों के सामंत हैं ठीक है चलो लेकिन आम तौर पर माना जाता है बट इट इज जनरली बिलीव दैट द परमार्स ऑफ मालवा वर ओरिजिनली बेस्ड इन द माउंट आबू एरिया ऑफ राजस्थान तो भाई दक्कन के अगर होने चाहिए तो फिर दे हैड टू बी डाउन डाउन साउथ में होना सॉरी उधर महाराष्ट्र वाले हिस्सों में होना चाहिए था या फिर एमपी वाले तो मालवा तो भाई मालवा जो है वो तो एमपी ही है राइट लेकिन इनका बेस माना जाता है कि कहां पे है कि ये राजस्थान से पैदा हुए माउंट आबू क्योंकि अधिकतर लोग इसी बात को मानते हैं वशिष्ठ मुनि वाली बात को माउंट आबू वाली बात मैंने आपको बता दी वशिष्ठ मुनि की गैया काम धेनु लेख भाग गए थे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि परेशान उन्होंने किया यज्ञ ही डिड अ यज्ञ सेक्रीफाइस राइट देन आउट ऑफ द फायर वन हीरो मॉज एंड ही वॉज परमारा स्लेयर ऑफ द एनमी और वो गया गाय ले आई वशिष्ठ ऋषि को दे दिया क्लियर अब इसके बाद से अब हम जानेंगे देर आर सेबरल ब्रांचेस ऑफ दिस डायनेस्टी दो द मेन ब्रांच रूल्ड एट मालवा विद इट्स कैपिटल एट धार ध्यान दीजिए कि कई सारे ब्रांचेस हैं परमारों के कई ब्रांच हैं मेरे मामा के यहां जाओगे तो मेरे मामा तो वैसे लोग बैस हैं बैस भी राजपूत होते हैं बी ए आई एस बैस वही बगल में एक दूसरे राजपूत हैं लोग उनको वो परमार हैं तो वो भी बिहार में बिहार में भी हैं ठीक है सो दो द मेन ब्रांच रूल्ड एट मालवा विद इट्स कैपिटल एट धार परमारो की कई ब्रांच थी आज एमपी के धार नगर में धार नगर में इन परमारो की मेन ब्रांच थी और सीधी सी बात है हु वर दिस अगर हिस्ट्री से मानो तो फ्यूडल्स ऑफ द राष्ट्रकूट राष्ट्रकूटों के सामंत हैं स्लोली स्लोली दे बिकेम पावरफुल एंड लेटर ऑन इनको खत्म करने वाले राष्ट्रकूटों को भी परमा रही है ताकत हथियाली है राइट अब हम जानेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ देयर हिस्ट्री ठीक है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ देयर हिस्ट्री इनके इतिहास के स्रोत क्या है तो पहले हम जो लिखा है उसको पढ़ेंगे और फिर इसमें हमको जोड़ेंगे जैसा हम जोड़ते हैं देखो 949 सी हरसोला कॉपर प्लेट इशूड बाई परमारक इन सिया अच्छा आपके यहां दूर दूर तक राजपूत नहीं है आकांक्षा ओके वेरी गुड तो आपके यहां अगर दूर दूर तक नहीं है फ्रॉम वेर एवर यू आर तो बस आप जान लो कि आप ही लोग नहीं बने आप ही हो जाते समझ रहे हो यू आर गुर्जर गुर्जर हैं और हम गुर्जर प्रतिहार हैं तो आप ही में से एक सेक्शन जो है वो राजपूत बन गया बाकी लोग नहीं बने आप लोग के पूर्वज नहीं बने सी hmm. इन 949 फोर्टी नाइन सी हर्षोला कॉपर प्लेट इशूड बाय द परमार किंग सी एक्ट टू स्टेब्लिश दैट द अर्ली परमार रूलर्स वर फ्यूड्री ऑफ द राष्ट्रकूट ऑफ मान्य देवरा 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 आ, चंदेल आप सोच रहे होंगे हमारे साथ वहां पे हिंडन में जो देवरा था वो तो राजपूत है देवराज चौहान होते हैं ठीक है अच्छा अक्षिता के यहां बहुत सारे होंगे स्टेब्लिश दैट द अर्ली देखो इन्होंने अब कैसे पता चला कि ये राष्ट्रकूट जो हैं, राष्ट्रकूटों के सामंत हैं क्योंकि 949 का हरसोला का जो ताम्रपत्र लेख है उसी में परमार राजा सियाग टू ने ठीक है ठीक है उसी में परिवार परमार राजा सियाग टू ने इस बात को लिखा है किस बात को लिखा है कि भाई वो परमार जो है वो राष्ट्रकूटों के मान्य खेत के राष्ट्रकूटों के सामंत थे बिल्कुल क्लियर बात इसने खुद से लिख दी है ठीक है 949 सी और 16 कॉपर प्लेट परमार राजा सियाग टू सियाग टू ने इस बात को लिखा कि भाई परमार रूलर जो है ये मान्य खेत के राजकूटों के सामंत हैं अलग टेंथ सेंचुरी सी के आसपास का है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चलिए तो यहां पे है भाई मुख्य शाखा जो थी वो मालवा पर शासन करती थी राजधानी थी धार धरा नहीं धार चलो धार नगर तो ये सी सीएक द्वितीय सी की सीयक द्वितीय ने नौ सौ ईस्वी में हरसोल ताम्र पत्रों में यह इस बात को लिखा है क्या लिखा है कि प्रारंभिक परमार शासक मान्य खेत के राष्ट्रकूतों के सामंत थे खुद से लिख रहा है भाई तो बात तो मानना पड़ेगा सो द लेटर परमाराज मूव देयर कैपिटल टू मंडप दुर्ग ठीक है बाद के जो परमार हुए उन्होंने अपने कैपिटल को मूव कर दिया कहा मंडप दुर्ग आज के मांडू में ठीक है एंड आफ्टर धार वॉज सेक्ट मल्टीपल टाइम्स बाई देयर एनिमीज भाई कैसे मूव कर दिया अब इनके एनिमी कौन होंगे देखो सीधी सी बात है कि ये है राष्ट्रकूटों के सामंत और राष्ट्रकूटों का युद्ध किससे होता था या तो पालों से नहीं तो प्रतिहारों से पालों ने युद्ध बहुत कम किया है एक ही राजा है जो कि युद्ध किया है उसने काफी मतलब आगे तक आकर के तो इनके कैपिटल को किसने लूटा होगा सीधी सी बात है इनके कैपिटल को दुश्मन कौन थे दुश्मन थे भैया परिहारों ने कई बार लूट लिया होगा तब तहस नहस कर दिया होगा क्यों क्योंकि वो तो राजकूटों पे अटैक कर रहे थे और ये उनके सामन थे तो लूटे गए साथ में सो मालवा एन्जॉयड अ ग्रेट लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रेस्टीज अंडर द परमारस याद रहे कि ये जो परमार है काफी ज्यादा कला के लिए इनको जाना जाता है राइट right? चंदेलों चंदेलों की वास्तुकला तो सबसे अच्छी है बट अगर साहित्य की बात करें इफ यू इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द लिटरेचर तो इनमें जो राजा भोज है मेहर भोज नहीं राजा भोज परमार मालवा का परमार था ठीक है वो सबसे ज्यादा वो खुद ही विद्वान था हिमसेल्फ अ पोएट देखो परमार वर वेल नोन फॉर देर पैट्रोनिज टू पोएट्स एंड स्कॉलर परमारो को किस लिए जाना जाता है विद्वानों के संरक्षण के लिए जाना जाता था भोज वॉज हिमसल फॉर रिनाउन्ड स्कॉलर क्योंकि जो राजा भोज थे परमारो के मिहिर भोज प्रतिहार है मिहिर भोज वॉज प्रतिहार बट दिस भोज ये जो राजा भोज है ये है हमारा परमार मोस्ट ऑफ द परमार किंग्स वर सेवाइट अधिकतर परमार राजा शिव की पूजा करते थे और उन्होंने बहुत सारे शिव मंदिर बनाए हैं हालांकि जैन जैन के जो स्कॉलर होते थे जैन विद्वानों को आपने देखा कि भाई जब राजपूत आए हैं मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के विलुप्त होने के कारणों को आई टोल्ड यू ठीक है मैंने अनकेडमी uh, पर ही बताया था आई होप कि बौद्ध धर्म भारत से क्यों विलुप्त हो गया इट वॉज स्टार्टेड हियर एंड बहुत ज्यादा फैला लेकिन क्यों खत्म हो गया द मेन रीजन वी मेन रीजन जो विदेशी थे और बाद में जो राजपूत थे वो बौद्धों को नहीं देखना चाहते थे लेकिन जैनों को वो संरक्षण देते थे क्यों क्योंकि जैन जो थे देवर वेरी मच मतलब इंटरमिंगलिंग टाइप वो मिल जाते थे बड़े बड़े ऑफिस सेनापति या फिर प्रधानमंत्री इस प्रकार के पदों को वो प्राप्त हाँ अनकेडमी पे पढ़ाया था जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है ना तो वह, मैं आऊंगा वहां पे तो बताऊंगा राइट अंशिका तो यहां पे हम परमारों की बात कर रहे हैं राइट तो अभी देखो हाँ अन अकेडमी पर मैंने पढ़ाया था ये बात तो देखो कि परमार जो थे वो खुद खुद भाई सेव थे लेकिन और उन्होंने कई सारे शिव मंदिर भी बनवाए लेकिन उन्होंने बहुत सारे जैन विद्वानों को भी संरक्षण दिया था यानी जैनों से बहुत अच्छा पड़ता था ओके okay. आपका हैप्पी बर्थडे है वेरी गुड हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आपका है किसका है वेरी गुड बहुत अच्छा किसका है फिर जगन्नाथ अच्छा मंदिर का है ओके 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 नहीं नहीं जगन्नाथ मंदिर का बर्थडे है ओके okay. चलो सो महालकदेव वॉज ऑल्सो नोन लास्ट नोन परमार्किंग मार्किंग हु वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई द फोर्सेज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑफ दिल्ली इन थर्टीन जीरो फाइव अंतिम राजा जिसके बारे में हम जानते हैं ठीक है जिसके बारे में जानते हैं उसका नाम था महालक देव जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मार दिया था ठीक है ओके अब हम बात करेंगे इनके सोर्सेस के बारे में ऑल दो एपिग्राफिक एविडेंस जो पूरा लेख मिले हैं कहां से उदयपुर से उदयपुर से जो मिले हैं पूरा लेख सजेस्ट दैट परमार रूल कंटिन्यूड फॉर इयर्स आफ्टर हिज डेथ थर्टीन टेन राइट एटलीस्ट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मालवा कहा जाता है कि भाई चलो अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था लेकिन फिर भी परमार थे और लेटर इंस्क्रिप्शन भी दिल्ली सल्तनत के हिसाब से 1338 थर्टी सी की मिली है क्लियर ओके okay. अब हम बात करेंगे यहां पे इनके सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की तीन चार का हमने नाम बता दिया ओरिजिन आपको पता हो गया ओरिजिन बस दो ही है एक ओरिजिन वो कहानी है कौन सी वशिष्ठ वाली और दूसरी ओरिजिन सामंत है और दूसरी ओरिजिन नहीं मिलती इनकी जैसे प्रतिहारों की कई सारी ओरिजिन थी ना कोई कहता है कि भाई विदेशी हैं कोई कहता है कि ब्राह्मण है राइट right? <laughs> वैसे इनकी बस दो ही है या तो वो वशिष्ठ वाली कहानी मान लो वेदर यू कंसिडर द स्टोरी ऑफ वशिष्ठ की बाल्मीकि जो है घोड़ा गा, गाय चुरा के लेके गए थे यज्ञ हुआ लड़का पैदा हुआ जाके बचा के ले आया ठीक है ओके okay. और दूसरी है सीधी सीधी बात मानो कि मान्य खेत के राष्ट्रकूटों के सामंत थे चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जैसा कि हम पढ़ते आए सोर्सेज ऑफ ठीक है सोर्सेज ऑफ परमार्स हिस्ट्री इतिहास के स्रोत क्या है यहां पर लिख लो परमारों के इतिहास के स्रोत परमारु के इतिहास के स्रोत ठीक है तो लिखो यहां पे हम लिखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पहले हम लिखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातत्विक पुरातत्विक शोध पुरातत्विक शोध पहला लिखते हैं क्या है पहला हर्षोल इंस्क्रिप्शन शोल इंस्क्रिप्शन ऑफ सीयक टू इधर लिखते हैं सीयक द्वितीय का हर्षोल अभिलेख सेकेंड दूसरा लिख है उज्जैन इंस्क्रिप्शन जैन इंस्क्रिप्शन ऑफ वाकपति मुंज वाकपति मुंज तो यहां पे लिखते हैं हम वाकपति मुंज का उज्जैन अभिलेख चलो तीसरा लिखते हैं बांसवाड़ा बांसवाड़ा एंड बेतमा इंस्क्रिप्शन ऑफ भोज तो यहां लिखे हम भोज का बासवाड़ा एवं बेतमा अभिलेख ठीक है यहां पे लिखो नेक्स्ट उदयपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयपुर इंस्क्रिप्शन ये जो उदयपुर इंस्क्रिप्शन है ये है कहां पे? तो यहां पे लिखो कि ऑन द रॉक टैबलेट ऑफ नीलकंठेश्वर टेम्पल नीलकंठेश्वर टेम्पल मतलब कि वहां पे एक नीलकंठेश्वर मंदिर है उदयपुर में उसी पे एक शिलालेख के ऊपर यह लिखा है रॉक टैबलेट या रॉक इंस्क्रिप्शन यहां पर लिख दो रॉक इंस्क्रिप्शन रॉक इंस्क्रिप्शन है तो उदयपुर इंस्क्रिप्शन ये किसका लिखा है ऑफ उदयपति uh, उदयादित्य उदया दित्य क्वेश्चन होगा तुरंत पूछेंगे <coughs> नहीं नहीं सब लोग यहां ध्यान दीजिए कभी कभी हम देख भी लेते हैं ठीक है तो यहां पे क्या है <coughs> उदयादित्य का उदयादित्य का उदयपुर अभिलेख उदयपुर अभिलेख हाँ नहीं नहीं मैं कभी कभी देखता हूं आकांक्षा हम ऐसा नहीं देखता ठीक है ओके रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ नीलकंठेश्वर ठीक है उदयादित्य का उदयपुर अभिलेख और ये कहां पे है तो लिखो कि नीलकंठेश्वर मंदिर में नीलकंठेश्वर मंदिर आ, में uh, के शिलालेख पर शिलालेख पर चार हो गया पांचवा और लिख लेते हैं फोर्थ लाइन में स्टार्टिंग में क्या लिखा है उदयादित्य का उदयपुर अभिलेख नीलकंठेश्वर मंदिर के शिलालेख पर ठीक है के शिलालेख पर इंग्लिश में उदयपुर इंस्क्रिप्शन ब्रैकेट में लिखा है रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ नीलकंठेश्वर टेम्पल ऑफ उदयादित्य क्लियर एंड लास्टली हाँ. लक्ष्मण देव नागपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ नागपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ नागपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ लक्ष्मण देव पांचवा है लक्ष्मण देव का नागपुर अभिलेख क्लियर हम्म ये यहां तक सबका क्लियर है आगे चलें बताइए क्या हम लोग आगे चलें? बताइएगा लक्ष्मण देव का नागपुर अभिलेख नागपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ आपके फिर से चैट्स नहीं मिल रहे हैं ओके एनी वन लास्ट लाइन है नागपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ लक्ष्मण देव लक्ष्मण देव वेरी गुड एंड अब हम जानेंगे लिटररी सोर्सेस क्या है लिटररी सोर्सेस ये तो हो गया पुरातत्वी का अभिलेख थे अब हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत क्या है साहित्य स्रोत तो दो चार किताबों के भी नाम लिख लिया जाए भाई आप लोगों को जो मैं ये नाम लिखवाता हूं ये इंस्क्रिप्शन लिखाता हूं इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा जाता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ये अभिलेख किससे संबंधित है राजाओं के नाम और अभिलेख ये सारे आपके प्रिलिम्स में आते हैं राजाओं के नाम अभिलेख हमेशा पक्का मैच द फॉलोइंग में दे देगा और उसके आगे जब बड़े आंसर आपको लिखने हैं वो सब आपको मेंस में बड़े आंसर्स लिखने होते हैं चलो साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोतों में अब हम लिखेंगे नौशाहक चरित नंबर वन लिखो नव शाह श्रांक चरित नौशाहक चरित बाई पद्मगुप्त गुप्त पद्मगुप्त पद्म यहां पे लिख लो पद्मगुप्त गुप्त के द्वारा लिखा गया पद्मगुप्त गुप्त के द्वारा लिखा गया कृत लिख देते हैं कृत पद्म गुप्त कृत कृत का मतलब के द्वारा लिखा गया एक बार लिख देते हैं बाकी बार यूज करेंगे के द्वारा लिखा गया नहीं तो फिर वही हो जाएगा मैंने बताया था ना कौन सा स्टेशन है तो बोला पूछताछ राइट right? तो मालूम चला कृत लिख दिया है एक बार ऐसे ही मैं कुछ और लिखा रहा था लिखा अनाम कौन सा राजा उसके बाद से अनाम है मतलब कि नॉट नोन नेम इज नॉट नोन मालूम चला अनाम राजा अनाम राजा ने ये किया तो ऐसा नहीं है अनाम इज मीन्स नेम इज नॉट नोन तो ये एक हो गया लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन दूसरा ये सब लिटरेरी या साहित्यिक स्रोत जो किताबें उताबों में इनके बारे में जानकारी मिलती है किसी ने कुछ लिखा है उसके बारे में हम कहते हैं हाँ यहां पे एक बात लिख सकते हो कि भाई पदम गुप्त कौन है तो लिख लो कि यहां पे इस बात को मेंशन कर लीजिए कि पद्दम गुप्त वास पद्म गुप्त वॉज कौन है भाई पोएट है ठीक है वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कोर्ट पोएट ऑफ किसका वाकपति मुंज वाकपति मुंज एंड सिंधुराज वाकपति मुंड एंड सिंधु राज ठीक है फिर और कौन से हैं अच्छा मेरुतुंग दूसरा है मेरु तुंग यहां पे लिखेंगे प्रबंध चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि बाई प्रबंध चिंता भाई मेरु तुंग मेरु तुंग इसमें क्या दिया है भाई हम्म मेंशंस अबाउट द परमारास एंड देर रिलेशन विद सोलंकी ऑफ गुजरात सोलंकियों से इनके हां विथ सोलंकी यहां पर लिखे चालुक्यास ऑफ गुजरात तुरंत बताएंगे कि भाई कहां पे किसका छूटा है हिंदी वाला कंप्लीट नहीं है सेंटेंस अभी लिख देते हैं पद्म गुप्त मैं ये बता रहा हूं पद्म गुप्त के द्वारा लिखा गया नौसाह। भूल गया था मैं लिखना नवसाह सांक चरित्र ठीक है और यहीं पे लिख देंगे कि पद्मगुप्त जो है पद्मगुप्त परमार नरेश वाकपति मुंज वाकपति मुंज डाउट होगा तुरंत पूछिएगा वाकपति मुंज एवं सिंधु राज सिंधुराज एवं सिंधु राज के दरबारी कवि थे दूसरा इसी में लिख देते हैं कि मेरु कृत प्रबंध चिंता मड़ी में मड़ी में परमार शासकों के साथ साथ नींद आ गया सबको अच्छा है कोई बात नहीं शासकों के साथ, साथ, चालुक्यों गुजरात के सोलंकी ओके वेरी गुड है गुजरात के परमार सातकों के साथ साथ गुजरात वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सब लोग लिखिए मैं ऐसे ही बोला था गुजरात के चालुक्यो यानी सोलंकी के साथ परमारों के संबंध ओके वेरी गुड चलिए अजय है संबंध को बताया गया आई कंसिडर मुझे पता है आप लोग लिख रहे हैं बताया गया है क्लियर यहां तक हो गया और है कुछ हाँ लिखो कई सारी हैं अभी तो यहां पर लिखो कि लिटरेचर्स ऑफ या फिर वर्क्स ऑफ वर्क्स ऑफ किंग भोज यानी कि राजा भोज की साहित्यिक कृतियां राजा भोज की साहित्यिक कृतियां ठीक है हम्म फिर अब हम लिखते हैं और भी बहुत सारी हैं क्या है वो धनपाल कृत तो यहां पर लिखो तिलक मंजरी तिलक मंजरी बाई धनपाल यहां पे हमने लिखा धनपाल कृत तिलक मंजरी फिफ्थ लिखा जाए हम्म तो यहां पर लिखो पिंगल वृति, पिंगल सूत्रवृत्ति बाई हलायुद्ध, ये कुछ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं राइटर का नाम लिख देगा और लिखेगा किसकी है तो ये देख लेना तो यहां पर लिख रहे हैं हला युद्ध की हला युद्ध कृत पिंगल वृति, सूत्र वृति, हाँ। मैम की पिक देखी मैम ओके वेरी गुड बहुत बहुत थैंक्स आकांक्षा तो है थोड़ी सी है, है। जो गाना गाया जाता है जो गाना गाया जाता है कौन सा गाना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वो इन्हीं के बारे में कहा जाता है राजा भोज के बारे में महान राजा थे ठीक है और अगला लिखते हैं आईने अकबरी आईने सॉरी आईन ए अकबरी बाई अबुल फजल कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आईने अकबरी किसने लिखी है इसमें भी परिवारों के बारे में दिया गया है आईने अकबरी बाई अबुल फजल एंड यहां पर लिखो अबुल फजल की अबू फजल ठीक है अबुल फजल अबुल फजल की आईने अकबरी आईन ए अकबरी और अंतिम लिखते हैं यहां पर लिखो लास्ट लाइन तो हम लिखेंगे अकाउंट्स ऑफ अकाउंट्स मैंने कि उसका खाता नहीं अकाउंट्स मतलब उसने जो लिखा है अकाउंट्स ऑफ अलबैरूनी एंड फरिस्ता यानी कि सीधी सीधी बात है कि अलबैरूनी अलबे अल बुनी एवं फरिश्ता के विवरणों से यह था भाई पूरी कहानी पूरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमारे परमारों के बारे में फाइव वाला रिपीट कर दें फाइव वाला है पिंगल सूत्रवृत्ति बाई हला युद्ध हला युद्ध कृत पिंगल सूत्रवृत्ति हम्म पिंगल सूत्रवृत्ति ठीक है ओके और सिक्स uh, है आईने अकबरी बाई अबू फजल अबूल फजल ठीक है नेक्स्ट डे ऑनवर्ड मंडे से कल हम uh, कितने टेन थर्टी में रखें क्लास टेन थर्टी क्लास एट फॉर किसके लिए रखते हैं काफी लंबी क्लास करेंगे पॉलिटी की पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोशिश करेंगे कि कल में खत्म हो जाए अगर नहीं खत्म होगा तो परसों भी करेंगे सैटरडे संडे को क्लियर एंड शाम के टाइम शाम के टाइम फिर से लंबी क्लास रखेंगे किस चीज की भाई 8 पी से अजय कह रहे हैं 12 पी भाई मुझे फिर कल 1:30 में ऑफिस जाना है सो so, ट्वेल्व पी एम पे अच्छा सब लोग 12 बजे कर रहे हैं देखो 12:30 में 1:30 में मुझे ऑफिस जाना है तो फिर तो क्लास ही नहीं हो पाएगी मतलब सोच रहे हो काफी छोटी क्लास होगी 11 ए एम पे रखते हैं 11 ए एम EBS की क्लास होगी 8 पीएम, ठीक है एनवाइनमेंट की क्लास हम करेंगे 8 बजे से काफी लंबी क्लास वो भी करेंगे 9, दस ग्यारह टाइप में हाँ नौ दस ग्यारह मतलब लंबी क्लास क्योंकि ये दो ही दिन हमारे पास मिलते हैं तो इस दो दिनों में हम भाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है आपकी इन्वायरमेंट तो हम चाहते हैं कि भाई खत्म हो जाए कुछ छूटे ना ऐसा नहीं कि मतलब देखो बहुत लोग बेहतर पढ़ा देते हैं लेकिन आधा अधूरा पढ़ा के चल जाता है सब ठीक है तो मैं चाहता हूं कि छूटे ना इसलिए लंबी क्लास करेंगे ये दो दिनों में अगर बीच में सर ने क्लास ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो मैं उनसे बात कर लूंगा दैट क्लास में बी एट फाइव पी नहीं नहीं कांति सिंह मैं लेट आऊंगा ना ऑफिस से वन पे रहेगा तो 5 पीएम पे अगर आप लोगों को साइंस की भी क्लास हो सकती है मैं सर से बात करूंगा अच्छा सूजन तो नहीं होती है भाई अजय अच्छा, हो सकता है कि आपने रगड़ दिया होगा ज्यादा अच्छा इवनिंग में पॉलिटी करें व्हाट डू यू से इवनिंग में पॉलिटी की क्लास की जाए सुबह में एनवायरनमेंट की क्लास कर लेते हैं भाई सभी लोग बताइए सो दैट मतलब चेंज ही तो करना है पॉलिटी शाम को पढ़ लेंगे और ये वाली ऑल ऑफ यू अंशिका ठीक है अक्षिता एनवायमेंट ग्यारह बजे से करते हैं ठीक है एनवायरमेंट क्लास विल बी एट 11 पीएम 11 बजे से 11 बजे से इलेवन ए एम इलेवन ए एम और पॉलिटी होगी ठीक है ग्यारह से पॉलिटी इवनिंग पॉलिटी होगी एट पी एम एट पी एम से बहुत मतलब नौ दस ग्यारह ठीक है नौ दस ग्यारह हो सकता है बारह लंबी क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म करने की कोशिश करेंगे बड़े ध्यान से वेरी गुड ठीक है मॉर्निंग में इलेवन पीएम पे क्लास होगी हमारी ईवीएस की एंड हो सकता है मैं बात करूंगा सर से इफ इफ इट इज पॉसिबल फॉर हिम एक्चुअली सर थोड़ा मतलब हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं तो अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा बट ये है कि हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छा समझाते होंगे वो उनका सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट नहीं है ठीक है पॉलिटी की क्लास का टाइम हमारा रहेगा आठ बजे रात को ठीक है ग्यारह बजे एनवायरमेंट की क्लास रहेगी पांच बजे सर से बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास हो सकती है शाम को चलिए एवरीवन थैंक्स एंड जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स एंड जय हिंद